हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्मेसी की जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे करवानी है, टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, प्राइवेट सीट कितनी है, इस सब के बारे में आज अपन डिस्कस से बात करने वाले हैं। तो जो भी प्रोसेस है वो आप अपने फोन से, मोबाइल फोन से सारा प्रोसेस बताऊंगा मैं कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया को कम्प्लीट करवा सकते हैं। सभी के लिए अगर आप तैयार हैं, पूरी प्रक्रिया को हम अपने मोबाइल फोन से करने वाले हैं। तो चलिए सीधे स्क्रीन मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते, जहाँ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स के साथ कि कितनी गवर्नमेंट सीट है, कितनी प्राइवेट सीट है। तो चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपके सामने देखिएगा गूगल, गूगल आप डायरेक्टली टच करोगे आरयूएचएस। तो यहाँ पे आपके सामने आरयूएचएस की वेबसाइट पर अपन पहुँच जाते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट साइट को ही क्लिक करते हैं। यहाँ से अपन डायरेक्ट क्लिक करते हुए सीधा चलते हैं अपन एडमिशन वाले प्रोसेस पर, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर एडमिशन। एडमिशन पर अपन जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा ये टाइम ले रहा है। एडमिशन प्रोसेस पर खुलने के बाद आप अपने फार्मेसी वाले स्टूडेंट बी फार्मा और डी फार्मेसी पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। डायरेक्ट क्लिक करने पर आपको तीन नए ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये है सीट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए गाइडलाइंस है, फिर फिल कॉलेज प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले आप अपना सीट मैट्रिक्स जान लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन ओपन करते हैं सीट मैट्रिक्स को। जैसा कि यहाँ पर सीट मैट्रिक्स डाउनलोड हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं जो सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर मैंने आपको भी डाला था, सेम वही सीट मैट्रिक्स है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज, ओवरऑल फार्मेसी की गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है जिसका नाम है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जिसमें बी फार्मा मतलब बैचलर डिग्री का एक भी कोई सीट नहीं है। गवर्नमेंट डिप्लोमा की सीट है, डी फार्मा की 60 सीट। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि टोटल गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट कितनी है, तो अब आपको पता चल गया गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है जिसमें भी डी फार्मा की 60 सीट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो आप देखेंगे मेरे नीचे प्राइवेट कॉलेज टोटल, यहाँ से देखेंगे आप टोटल मिला के आपकी 195 के करीब कॉलेज हैं। कितनी? 95 कॉलेज हैं, जिसमें से आपकी एक कॉलेज कौन सी है? गवर्नमेंट। तो आपके पास 94 कॉलेज बचती हैं। फिर 94 कॉलेज में मैं आपको अब यहाँ से आगे बताने वाला हूँ टोटल गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट। तो स्टूडेंट एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से कॉलेज की सीट है, उदयपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर। तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं गौरव फोर्टी आरयूएचएस के नाम से, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करने वाला, क्योंकि स्टूडेंट आपको यहाँ से एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले विद लाइव। अब आप अपने फ़ोन से ही सब कुछ कर सकते हो। इस तरह से आपके सामने कॉलेज प्रेफरेंस की लिस्ट आएगी, जिसमें से आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपके सामने कॉलेज वाला ऑप्शन आएगा जो आपका सीट मैट्रिक्स है। तो अब आप जान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंटों को सीट का कन्फ्यूज हो रहा है। तो अब आपके सामने ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें हम बात करते हैं वी फार्मा की। तो स्टूडेंट वी फार्मा की जो टोटल प्राइवेट सीट है, टोटल प्राइवेट सीट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 989। ठीक है, इतनी सीट आपकी 1989 सीट है। ये टोटल सीट प्राइवेट है आपकी बी फार्मा की। ठीक है, बी फार्मा की इतनी सीट है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके, ठीक है, अगर स्टूडेंट अगर आपके 45 से एवं नंबर हैं, तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, आपको सीट मिलने के चांस पूरे हैं। क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जो फार्मेसी में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं, जिन स्टूडेंट के 45 तक नंबर हैं वो आराम से सीट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं डी फार्मा की। तो अब आपको पता चल गया टोटल सीट कितनी कितनी है, 1989 सीट है टोटल प्राइवेट सीट। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोमा। डिप्लोमा मतलब डी फार्मा। डी फार्मा की स्टूडेंट टोटल सीट हैं आपकी गवर्नमेंट, तो आपको पता ही है 60 सीट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट सीट टोटल मिला के बैठती हैं आपकी, टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट आपकी मिला के बैठती हैं 4845 सीट। मतलब डिप्लोमा की सीट ज़्यादा है, 4845 के करीब सीट है आपकी प्राइवेट टोटल सीट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया। आपको मैंने बी फार्मा की, डी फार्मा की टोटल टोटल सीट बता दी कि किस की कितनी कितनी सीट है, जिसमें आपको बी फार्मा की बताई थी 1989 के करीब, और डी फार्मा की सबसे ज़्यादा सीट है 4845। तो जिन स्टूडेंट के 35 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिस स्टूडेंट के 35 तक नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर वालों को अगर डी फार्मा करना चाहते हैं, तो वो आराम से काउंसलिंग करवाएं, उनको आराम से मिल जाएगी। कम नंबर वालों 35 को भी मिल जाएगी, क्योंकि डी फार्मा की सीट्स बहुत सारी हैं, स्टूडेंट भी कम ही करते हैं, मोस्टली नर्सिंग में चले जाते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो फार्मेसी करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो आराम से करवा सकते हैं जिनके 35 तक नंबर हैं। डी फार्मा में उनको आराम से सीट मिल जाएगी स्टूडेंट, घबराने वाली बात है नहीं।
अब आप लोगों को पता चल गया होगा टोटल 95 कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताया था। तो ये तो रहा आपका सीट मैट्रिक्स, ठीक है, क्या रहा सीट मैट्रिक्स। तो जो भी नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के अलावा, ओपन यहाँ से बैक जाते हैं। अब आप देखेंगे गाइडलाइंस, जो चॉइस फिलिंग के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके पास ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी 11 तारीख को आ गया था, तो इसमें स्टूडेंट एक टर्म दिए ये, इसका मतलब क्या है 550 रुपये। तो इसमें क्या है, आपको वेबसाइट पर जाना है, जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसका चालान करने वाले हो, क्या करने वाले। तो स्टूडेंट जो आपकी डिपॉजिटिंग काउंसलिंग फीस है वो आप 11 से 15 तारीख तक शाम 5 बजे तक है, आपके पास 11 से 15 4-5 दिन बचे हुए हैं। इन 4-5 दिन में ही आप सबसे पहले 5 बजे तक चॉइस वो अपनी RUHS की वेबसाइट से, मैं आपको सब कुछ फ़ोन से ही बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन से किस तरह से चालान कटवा सकते हो, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बिल्कुल वीडियो एक एक स्टेप मिस ना करें, क्योंकि आपके लिए ही गलती होने के चांस रहेंगे, इसलिए देखते रहें। तो ये आपको पता चल गया 11 से 15 तारीख तक आप अपने चालान कटवा सकते हैं ऑनलाइन 5 बजे तक, विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 5 बजे तक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो चॉइस फिलिंग की स्टार्ट है वो आपकी 11-15 से सेम, मतलब 4 दिन आपको मिलते हैं कॉलेज भरने के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस करवाने के लिए, सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जारी होने की, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपको 17 तारीख को आएगा, कितनी तारीख को, 17 तारीख को आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट परेशान ना हो, अब आपको अलॉटमेंट लेटर की डेट भी पता चल गई, ठीक है। 17 तारीख को फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा, इसके जस्ट दूसरे दिन ही 18 तारीख से 23 तारीख तक स्टूडेंट 5 दिन का टाइम मिलेगा आपको कॉलेज रिपोर्ट कराने का, ठीक है, शाम 5 बजे तक। 18 से 23 तारीख तक आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा कॉलेज रिपोर्ट कराने का। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 11 से 15 तक तो मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का जो भी प्रोसेस है, और फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर 17 तारीख को आएंगे शाम 8 बजे तक, ठीक है, और 18 से 23 तारीख तक आपको कॉलेज रिपोर्ट करने का टाइम मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये विशेषकर जानकारी है जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, इसलिए आप स्पेशली ध्यान से सुनते रहें, सब चीज़ एक एक बात को क्लियरफाई करके बताइएगा शुद्ध हिंदी में, ठीक। आपको 18 से 23 तारीख तक मतलब कॉलेज रिपोर्ट करनी है विद डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो डॉक्यूमेंट्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए डॉक्यूमेंट्स पर, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। जिस भी स्टूडेंट नहीं देखी तो मैं आपके उसको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको बताइए गौरव 14 RHS के नाम से, जो यूट्यूब का नाम है, ठीक है, वहां से आप डॉक्यूमेंट्स जरूर ध्यान रखें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अब बात कर लेते हैं इससे नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ ये सब कुछ दिया है फीस वीस के बारे में, अब बात करेंगे चल। तो देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर द एप्लीकेशन नंबर, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो डालोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे स्टूडेंट, फिर अपना मोबाइल नंबर डालोगे। ये सब प्रक्रिया मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसमें वही 550 रुपये ई मित्र के द्वारा, ई मित्र या डेबिट कार्ड के द्वारा आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखें। फिर उसके बाद आएगा एड प्रेफरेंस चॉइस, जब आप चालान आईडी डाल दोगे तब आपके पास कॉलेज, तो स्टूडेंट यहाँ से आप कॉलेज चॉइस का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप कॉलेज को चॉइस एड प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट बटन से हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये आप 15 तारीख तक, लास्ट 15 तारीख तक 5 बजे तक ये सब प्रक्रिया कर सकते हैं, हटाना जोड़ना, उसके बाद ऑटो सबमिट होने के बाद आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मिलेगा हटाने का, ठीक है। फिर जैसे ही इसमें दिया मॉडिफाई योर फील्ड चॉइसेस का मतलब है कि आप अपनी कॉलेज को हटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो लास्ट 15 तारीख 5 बजे तक, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। इसमें ऑटो लॉकिंग का सिस्टम, ऑटो लॉकिंग के बाद अपनी डायरेक्ट बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के बारे में क्या क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ये फॉर्म है जो आपको अपनी वेबसाइट पर ही दिखेगा, जिसको आपको कन्फर्म करना होगा, जिसके बारे में आप लिखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेके आएंगे, सब कुछ ओरिजिनल होगा और सब कुछ कंटेंट गवर्नमेंट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, और ऑटो लॉकिंग के जरिए बंद हो जाएगी। स्टूडेंट विशेषकर ध्यान रखें 15 तारीख 5 बजे तक आपको जो करना है 15 तारीख 5 बजे तक कर सकते हैं, कॉलेज हटाना जोड़ना, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आप कॉलेज फिल करते हो तो उसका आपको प्रिंट कॉपी जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रिंट कॉपी आप 15 तारीख को 6 बजे तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, 15 तारीख को 6 बजे के बाद, नेक्स्ट जैसे ही सबमिट हो जाएगा 6 बजे तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं 15 तारीख को, ठीक है। अब चलते हैं जो प्रक्रिया हमको करनी है वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं डायरेक्ट अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला, एक एक चीज़ मैं आपको अपने सामने होती हुई बताऊंगा स्टूडेंट, कोई फेक नहीं, रियल नहीं हुई,
ठीक है। जैसे ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। तो आप वेबसाइट पर ये ऑप्शन देख रहे हैं, देख रहे हैं फिल चॉइस प्रेफरेंस, फिल चॉइस प्रेफरेंस, ये रहा स्टूडेंट, ये देखिए। आप इसको सबसे पहले क्या करें, क्लिक, सावधानी पूर्वक क्लिक करना। जैसे ही स्टूडेंट आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछता है आपका फॉर्म नंबर, क्या क्या पूछेगा, आपका फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ मेरे पास कुछ हैं जो मैं आपको सबमिट कर देता हूँ। स्टूडेंट देखते रहिए कैसे आपको करनी है। तो मेरे पास ऑटोमेटिक ऑलरेडी सेट है, तो स्टूडेंट जैसा मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप आपको आपका फॉर्म नंबर डालना है, एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से, आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ। स्पेशली अगर आप कुछ भूलते हो तो इसमें और भी ऑप्शन आते हैं जहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इसको करोगे स्टूडेंट, सबमिट करते हैं, इस तरह आप सबमिट करने पर लॉगिन हो जाएगा और ये खुल जाएगा। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म नंबर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए, ये कोई कैंडिडेट है निखिल शर्मा के नाम से, जिसका मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ लाइव। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ आपको सीधा स्पष्ट देख के दिखाए कि 550 रुपये, ठीक है, 550 रुपये का चालान है और 60 रुपये की ई मित्र की कमीशन फीस है। 60 रुपये अगर ई मित्र से करवाते हो तो स्टूडेंट आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप खुद से करते हो तो आपको 60 रुपये देने नहीं पड़ेंगे। इसलिए 60 रुपये तो एटलीस्ट बचा ही सकते हो ना आप लोग अपने फ़ोन से करके। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कैसे करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं, आप ई मित्र से बिल्कुल ना करवाएं, अगर आप में थोड़ी समझदारी है तो आप खुद करना, अगर नहीं है तो आप ई मित्र से जरूर करवाएं, 60 रुपये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर। ठीक है, चलो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग। ठीक है, जैसे ही आप पे पेमेंट बाय इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप यहाँ जैसे क्लिक करते हो, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट ओरिजिनल साइट पर पहुंचा देता है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ से कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, जो भी बैंक है आप वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो कर सकते हो, नहीं है तो आप डायरेक्ट ही वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एग्रीगेटर क्या है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास जो भी बैंक है, इसमें ओनली कोटक बैंक का दिया, तो आप ये नेट बैंकिंग, जिनके पास स्टूडेंट के पास नेट बैंकिंग है वो कर सकते हैं, 560 रुपये डायरेक्ट, आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। मोस्टली ई मित्र के पास नेट बैंकिंग होती है तो वो इसको जल्दी कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप सबमिट और पेमेंट कर दोगे, फिर आपके सामने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपको ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है, जो चालान आईडी है, ये देख रहे हैं, ये आईडी आपको डालनी पड़ेगी, जो आपको चालान आईडी के रूप में मिल जाएगी वहां से। अगर ये आईडी नहीं होती तो वो चालान आईडी आपको मिल जाएगी, उसको ऐसे ही आपको सीधा यहां से क्लिक करने का। नेक्स्ट स्टेप आप जैसे ही जाओगे उस सिस्टम में, आपको ये सब डन होने के बाद आपके सामने कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, कॉलेज लिस्ट आने के बाद वहां से आप प्रोसेस को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आपकी ये प्रोसेस की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, तो जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे अब उन्हें परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कि कौन कौन सी कॉलेज को चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि अभी इस जो भी ये स्टूडेंट है ये काउंसलिंग करवाना नहीं चाहता, इसलिए इसके यहाँ तक ही वैलिड है। ठीक है, अगर कोई मेरे को मिलता है जिसने काउंसलिंग करवाई है पूरी, तो आपको उस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। जल्दबाजी ना करें, आराम से काम लें, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे वो वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी ने जान लिया है कि टोटल गवर्नमेंट सीट कितनी है, प्राइवेट सीट करनी है, और किस तरह से आप अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म नंबर डालेंगे और ये सब डाल के, तो उसमें जैसा ही आप सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद चालान आईडी डालते हैं, चालान आईडी डालने के बाद ही आपकी कॉलेज की जो प्रायोरिटी ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग ऑप्शन है, वो स्टार्ट होता है, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार जितनी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहे उतनी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबमिट का जो ऑप्शन है वो ऑटो सबमिट ऑप्शन है, ऑटो सबमिट ऑप्शन के अंदर आप लोग सबमिट नहीं कर पाएंगे, वो एग्जैक्ट जो लास्ट डेट है, जो लास्ट टाइम है, उस टाइम को आपकी ऑटोमेटिकली ऑटो सबमिट हो जाएगा, फिर आप उसके बाद कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे। वो कॉलेज चेंज और बाकी की जो भी प्रोसेस है वो आप सेकेंड काउंसलिंग की वो में कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट घबराएं नहीं, जो भी स्टूडेंट बोल रहे कि सर हमसे फर्स्ट काउंसलिंग में दिक्कत होगी, तो आप वो सेकंड जो सारी प्रोसेस है वो सेकंड काउंसलिंग के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट थोड़ा इश्यू है क्योंकि आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, जैसे स्टूडियो में पहुंचूंगा तो आपके सामने जल्दी अच्छी क्वालिटी में और बेहतर क्वालिटी वीडियो होगी, ये मैं थोड़ा आउट हूँ तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करनी पड़ी, बिकॉज आप सभी लोगों के लिए कम्फर्ट हूँ, इसलिए ये सब प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो लगती तो शेयर करें, और जैसा आप सभी को बताया प्लीज वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट को स्किप ना मत करें, यहाँ पे आपको कम्फर्ट अच्छी तरीके से समझा गया। थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।